नमस्कार डीआईजी न्यूज मध्ये आपला स्वागत। चंद्रपुरातली मोठी बातमी, रामदेव बाबा ट्रान्सपोर्ट कंपनीवरील आरोप खोटे। कोळसा व्यवसायातील 50 वर्षांत एकही आरोप नाही। कंपनीचे संचालक धर्मेंद्र तिवारी यांची पत्रकार परिषद। मागील काही दिवसांपासून चंद्रपूर जिल्ह्यात कोळसा तस्करी जोमात असून या मोठ्या घोटाळ्यावर प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे। काही ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक या घोटाळ्यात सामील असून त्यांच्यावर सीबीआई चौकशी लावण्यात यावी अशी मागणी माजी खासदार नरेश पुगलिया यांनी केली आहे। रामदेवबाबा ट्रान्सपोर्ट कंपनीच्या माध्यमातून मागील 50 वर्षांपासून कोळसा व्यवसाय केला जात आहे। त्यासोबतच तिवारी कुटुंबीय सामाजिक राजकीय आणि पत्रकारिता क्षेत्रात काम करीत आहे, त्यामुळे नरेश पुगलिया यांनी तिवारी कुटुंबियांची बदनामी करण्याच्या हेतूने रामदेवबाबा ट्रान्सपोर्ट कंपनीवर खोटे आरोप केले असल्याची माहिती कंपनीचे संचालक धर्मेंद्र तिवारी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली। 18/1/2022 को मेरी गाड़िया भरी थी पे लोड मशीन लोडिंग से। वहां पृथ्वी जंगम नामक व्यक्ति जिसने मेरी गाड़िया रोका और सभी को भ्रमित किया कि मैंने बड़ा माल चूरी में बड़ा माल भरा है बोल के, और वहां पे मीडिया पहुंच गया, WCL पूरी टीम पहुंच गई, पुलिस प्रशासन पहुंच गया, लेकिन वहां किसी को कोई मेरे इसमें गलत कुछ मिला नहीं। और मैंने जो गाड़ी लोड करी थी वो परमिशन से भरी थी साहब के, वो ग्राउंड स्टॉक से भरा था मैंने। जो नीचे डंप हो जाता माल वो ग्राउंड स्टॉक से भरा था। और ये हमको और हमारे परिवार को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई है आदरणीय नरेश बाबूजी पुगलिया और ये उनका कार्यकर्ता पृथ्वी जंगम, इनके द्वारा क्या पता नहीं। मैं ये किसी तरह से बदनाम करना, हमारी छवि को खराब करना, 50 साल से हम लोग ये काम कर रहे ट्रांसपोर्टिंग का, आज तक एक सिंगल दाग भी नहीं है हमारे आंख पे, और अब ये दाग लगाने के काम चालू हो गए। बिल्कुल मैं माननीय का दावा करूंगा आदरणीय नरेश बाबू जी के ऊपर के मेरी बदनामी की है, मैं उनके ऊपर दावा ठोकूंगा। क्या